उत्सव में यहाँ पर उपस्थित हमारे भाई दीपक नागर जी, चाचा बुद्धा जी, बंटी मलिक जी, महेश मलिक जी, सरपंच साहब नवीन जी, ईश्वर मास्टर जी, चंद्रपाल जी, प्रकाश जी और आए हुए सभी आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, अभी आप यहाँ पर आदरणीयों का आनंद ले रहे थे तो मैं कोई लंबी चौड़ी बात करने नहीं आया। सबसे पहले तो आप पर आपके लिए ये रामनवमी का उत्सव आप सबके लिए मंगलमय हो, शुभ। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने के बाद या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ये पहली रामनवमी है और इस दिन का हमने 550 साल तक इंतजार किया। देखिए, मैं ये बताने आया हूं, जो भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक संकल्प जो जनसंघ से लेके अब तक चला आ रहा था, पहला वैचारिक संकल्प था कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 समाप्त करेंगे। तो धारा 370 को समाप्त किया। दूसरा वैचारिक संकल्प था कि हम सत्ता में आएंगे तो सीएए का कानून, नागरिक संहिता अधिनियम, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को जो प्रताड़ित करके निकाले गए उनको भारत की नागरिकता देंगे, वो वैचारिक संकल्प भी पूरा हुआ। तीसरा था, अगर हमको मौका मिलेगा, नारे लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं पर, कितने लोगों ने शहादत दी उसके लिए, लेकिन वो वैचारिक संकल्प भी पूरा हुआ, मंदिर भी बना और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी। एक चौथा वैचारिक संकल्प अभी बचा है जिसके लिए जो परसों संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है कि समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून, वो इस तीसरी पारी में मोदी जी पूरा करने जा रहे हैं कि एक देश में दो तरह के कानून नहीं होंगे। तो मतलब जो भी वैचारिक संकल्प हमारी पार्टी ने किया उसको पूरा किया। अब मैं यहां कोई सारे विकास की बात बताने नहीं आया, अगर मैं देश के विकास की बात करूंगा तो जो 70 सालों में हुए, जितने एयरपोर्ट थे, जितने मेडिकल कॉलेज थे, यूनिवर्सिटी थी, हाईवे थे, ग्रामीण सड़कें थी, यूनिवर्सिटी थी, एमबीबीएस एमडी की सीटें थी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन था, वो सब दुगुना हुआ है। इन 10 सालों में देश की आर्थिक ताकत 11वें नंबर से 5वें नंबर की। कांग्रेस के राज में 10 साल जो हमसे पहले थे, देश 11वें नंबर पे ही था और 11वें नंबर पर ही छोड़ के गए, क्योंकि उन्होंने देश की चिंता नहीं की, उन्होंने घोटाले किए, भ्रष्टाचार किए, जेल गए और जमानत पर आए। और चाय बेचने वाले ने इस देश की किस्मत ही बदल दी और उसकी गारंटी है कि तीसरे टर्म में मैं भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाऊंगा। जब 5वीं आर्थिक शक्ति बनने के बाद देश इतना आगे बढ़ा, तो जब देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा तो भारत कहां से कहां पहुंचेगा ये आप कल्पना कर सकते हैं। और देखिए, फरीदाबाद में एक मुथा रोड होता था, क्योंकि मैं भी फरीदाबाद में पैदा हुआ होता हूं और आप भी हैं, आपने खूब मुथा रोड देखा है, फरीदाबाद से लेके भूडल तक तो जा रही है, क्या हालत थी, आज उसकी क्या हालत है। पलवल दूसरा हाईवे हमने दिल्ली प्रोग्राम बॉम्बे, तीसरा हाईवे इस दिल्ली प्रोग्राम 65 से लेके जेवर के लिए, अभी चौथा और पास करा दिया है फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद के लिए, हसनपुर में जमुना का पुल बन रहा है,
मजारली में जमुना पे पुल लगभग तैयार होने जा रहा है और रेलवे स्टेशन सारे एयरपोर्ट जैसे बना रहे हैं। आप जाकर देखो फरीदाबाद में 200 पार्क। और अब हमने अभी 20 दिन पहले उद्घाटन किया है, काम शुरू कराया है, फरीदाबाद से लेके होडल बॉर्डर तक जितने रेलवे फाटक हैं एक भी फाटक नहीं होगा, सब पे हमने 350 करोड़ के रेलवे ओवरब्रिज पास करा दिए हैं। अगले एक साल में आपको इस लोकसभा क्षेत्र में एक भी फाटक नहीं मिलेगा। इसके अलावा 2014 तक हरियाणा में 66 में बना 6500 गांवों में से सिर्फ 650 गांवों में 24 घंटे बिजली आती थी। आज 5700 गांवों में 10 सालों में 24 घंटे बिजली देते हैं। हर घर में माताओं बहनों के लिए शौचालय मोदी जी ने बनवाए कि अंधेरे का इंतजार नहीं करना पड़े या उजाले से पहले पहले जाना पड़े। तो गांव में तो यही था, जंगल जावे तो हमारी माताएं बहने अंधेरे का इंतजार करती थी या उजाले से पहले जाती थी। हर घर में नल से जल देने की बात हो, हर महिला गरीब महिला को गैस कनेक्शन देने की बात, हर गरीब का 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज हो, मतलब ये ऐसे कितने काम हैं। हर गरीब आदमी को हर महीने 5 किलो अनाज देने की बात, तो ऐसे अनेक काम हैं। और सबसे बड़ा काम है कि भारत, आज पहले दुनिया बोलती थी भारत सुनता था, आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनता। इन्होंने कहा, जब पहले कहा कि मोदी चाय बेचने वाला है, चाय बेचने वाले को कौन प्रधानमंत्री बनाएगा, लेकिन देश के लोगों ने बनाया। दूसरी बार कहा चौकीदार चोर है, हर भारतवासी चौकीदार बन गया और पहले से ज्यादा सीटों से जिताया। और अभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा इसके तो परिवार नहीं है। हाँ, मोदी का परिवार इतना छोटा परिवार नहीं है, तुम्हारे परिवार जैसा छोटा परिवार नहीं है जिसके लिए तुम पशुओं का चारा कर गए, 20 करोड़ के तुम 20 लाख करोड़ के घोटाले कर गए, इसलिए सारे जमानत पर है। एक भी पक्ष में ऐसा नेता नहीं है जो जमानत पे ना हो। मोदी तो कहते हैं मेरा इतना बड़ा, मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है, इस देश के 140 करोड़ लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए तो आज हर भारतवासी कहता है मैं हूं मोदी का परिवार। कोई भी भारतीय अगर संकट में फंसा हो, चाहे वो कोरोना में दुनिया के देशों में फंसा, चाहे वो खाड़ी के युद्ध में फंसा, चाहे वो यूक्रेन और रशिया के युद्ध में 26,000 छात्र फंसे, चाहे वो अभी सूडान के युद्ध में फंसे, एक एक भारतवासी को सुखद हिंदुस्तान लेके आए। 2014 से पहले बातें बहुत हो जाएंगी, रोज देश में दंगे होते थे, कर्फ्यू होता था, बम ब्लास्ट होते थे और एक विज्ञापन बार बार आता था कि टीवी पे बार बार अखबार में एक बार कि लावारिस वस्तु से सावधान, कहीं नजर आए तो छूना नहीं, पुलिस को सूचना देना। ईमानदारी से बताओ, जब से दिल्ली में मोदी और यूपी में योगी आया है कहीं बम ब्लास्ट है, कहीं दंगा है, कहीं कर्फ्यू है या कहीं लावारिस वस्तु का विज्ञापन आता है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये करने वाले जानते हैं कि दिल्ली में मोदी या यूपी में योगी बैठा इलाज कर देगा गड़बड़ की। अब जाते हैं यूपी में 12 बजे जाते जाइए, कोई पूछने वाला नहीं। अरे मुझे तो याद है, रिश्तेदारी है वहां, आपकी भी हमारी भी है, दिन छिपने से पहले ही पहुंचना पड़ता था, अंधेरे में कोई चलना पसंद नहीं करता था। तो एक नहीं कितनी बातें हैं, क्योंकि मोदी के लिए देश पहले। अब हमारे मित्र कांग्रेस के कहते, मैं खत्म कर रहा हूं, वो कहते हैं हम आएंगे तो 6000 पेंशन देंगे। आज 11 करोड़ किसानों के खाते में हर साल में 3 किस्तों में 6000 रुपए आते हैं, कहीं जाना तो नहीं पड़ता। अभी एक प्रधानमंत्री कहता था 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचता है, लेकिन मोदी ने सबके खाते खोल के दिल्ली से बटन दबाता है सीधा खाते में आ जाता है, 2000 भेजता है तो 2000 एक पैसा भी कम नहीं मिलता। अगर ये खाते नहीं खोलते सीधे नहीं भेजते तो ये सरकारी बाबू है ना, 4 बार तो तुमको हटाते,
फिर बाद में बगैर चेक करन कहीं तो हम पैसा नहीं देते, 2000 में से 1000 रुपए तो उनकी भेंट चल जाती। लेकिन मोदी जी ने बीच का रंग समाप्त कर दिया, सीधा दिल्ली से बटन दबाता खाते में आ जाते हैं। तो ये नीयत होनी चाहिए काम करने। तो ये कहते हैं ना 6000 पेंशन देंगे, देखिए पेंशन शुरू की चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए से, और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी आए 2005 तक मुख्यमंत्री, तो 100 से 300 करके गए। रिकॉर्ड निकाल लेना, लेने वाला तो जानता है, देने वाला भी जानता है और लेने वाला भी जानता है। 300 छोड़ के गए, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। जब 2014 में हमारी सरकार आई तो 1000 रुपए मिलती थी, 1000 ही मिलती थी ना, और आज कितनी मिलती है 10 साल बाद? लेता नहीं है कोई पेंशन यहां 3000 का। उन्होंने 700 रुपए बढ़ाई 10 साल में, हमने 2000 बढ़ाई। गांव का चौकीदार को 1500 रुपए मिलते थे, 10 साल में इन्होंने 2500 बढ़ाई 3500, और हमने आज कितने मिलते हैं चौकीदार को? 11000, हमने 7500। ये 500 किलोमीटर हाईवे लेके आए, हम 2500 किलोमीटर हाईवे लेके आए। ये कहते हैं हमने नौकरी दी 1 लाख, लेकिन कैसे दी? अंडा बांटे रेवड़ी अपने अपना। कोई एमएलए एमपी के नजदीक था, बहुत चहेता था, उसको नौकरी मिलती थी, कोई कितना भी काबिल हो, लेकिन जिस पर करने के लिए सिफारिश नहीं थी और देने के लिए पैसा नहीं था, उसको नौकरी नहीं मिलती थी। इसलिए बच्चों ने पढ़ने में रुचि कम कर दी कि क्या पढ़ेंगे, हमारे पास करने के लिए सिफारिश नहीं है और देने के लिए पैसा नहीं है, हमको नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ने का क्या फायदा। लेकिन हमारी सरकार आई तो हमने तय कर दिया कि ना सिफारिश से ना पैसे से, काबिलियत के आधार पर नौकरी मिलेगी। और अब तक हमने काबिलियत के आधार पर 1,10,000 बच्चों को नौकरी दे दी है, और अगले 4 महीने में हम 50,000 बच्चों की नौकरी निकाल दिए ऑन बेलियन। तो ये अच्छा है बुरा है? और उसका असर क्या हुआ है? जिन बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया था, आज उनकी फिर से पढ़ने में रुचि हो गई है कि पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी, नहीं तो सिफारिश और रिश्वत से नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन है। नहीं, गरीब आदमी के पास तो गांव में ठोंडा है तो उसमें तो सिफारिश भी है और ताकत भी है, पैसा भी है, और वो कहते हैं तू रूठी है मैं छूटी, हमारी जान छूट गई। हमने गांव में अगर 2 लगा दिए, गांव में 500 परिवार हैं, तो 498 कह रहे आज ये तेरा इलाज कर देंगे अभी इन 2 से ही, तो हमारी भी जान छूट गई और लोगों की भी उस रिश्वतखोरी से जान छूट गई। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। तो ये सारे परिवर्तन हुए। अंत में इतना कहना चाहता हूं, देखिए ऐसा कोई आदमी है जो बगैर दूल्हे के बारात में